नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री पैराडाइज पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौसम विज्ञान की। अगर हम लोग मौसम विज्ञान की बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी बोला जाता है। सस्य विज्ञान का ही ये पार्ट होता है, चीज समझिएगा। जो सस्य विज्ञान आप कक्षा 11 के जब खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 11 ही मैं पढ़ा रहा हूँ सस्य विज्ञान, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपका पाठ नंबर जो 25 है वहां पे आप लोग देखेंगे वातावरण नाम से वहां पे वातावरण, जलवायु, मौसम, ये सब सबके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले जब हम लोग वातावरण के बारे में अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत करेंगे? मौसम विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले परिचय के बारे में जान लेते हैं कि इसका परिचय क्या है, कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग यूपी कैटेट या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कहीं किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेट्रोलॉजी क्या है। तो मेट्रोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेट्रोज प्लस लॉजी या लोगा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों शब्द कैसे हैं? ग्रीक शब्द हैं। सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जिसमें लॉजी शब्द लगा होता है लास्ट में वो कैसा होता है? ग्रीक शब्द होता है। और जिसमें कल्चर शब्द लगा होता है वो कैसे होते हैं? लैटिन शब्द होते हैं। और लॉजी में एक अपवाद है, पोमोलॉजी, ये लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है, तो ये चीज याद रखना। तो मेट्रोज का मतलब क्या होता है? मौसम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मौसम विज्ञान की ही बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? मौसम। और लोगस का सिंपल सा आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसपे आप लोग IMP लगाइएगा। क्या बनता है? पूछा जाता है कि मौसम विज्ञान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका उद्भव कहां से हुआ? अरस्तु के ग्रंथ से हुआ। वो कौन सा ग्रंथ था? मेट्रोलॉजिका। जो अरस्तु का ग्रंथ था मेट्रोलॉजिका, वहां से मौसम विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो आशा करता हूं चीज समझ में आई होगी। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जलवायु में मौसम में घटित घटनाओं का विश्लेषण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है? WMO। WMO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंपल सा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या चीज याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ये चीज होती है। ठीक है, तो अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1950 में। ठीक है, अगर पूरा याद करना है तो 23 मार्च 1950 में WMO की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो याद रखना। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट IMD, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना। भाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल, IMD की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपकी इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कहाँ हुई थी? पुणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, तो ये चीज भी याद रखना। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है IAMD, इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इस पर भी IMP लगा लीजिएगा। यूपी कैटेट वगैरह और एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से मौसम विज्ञान के बनते हैं। तो ये तीनों तो आप लोगों को एकदम पक्की तरीके से, अच्छी तरीके से रटे ही होने चाहिए, ताकि आप कभी भी भूलें ना। और आप अपनी नोटबुक पे लिखते रहिएगा, ताकि आप जब भी नोट्स अपने खोलें तो चीजें वहां पे समझ में आए। ये नहीं पढ़े और उसके बाद में छोड़ दिया, ऐसे कोई भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अब मौसम की। मौसम क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि जो मौसम क्या होता है, मौसम वह होता है जो अल्पकालीन समय के लिए उत्पत्तित होता है। अल्पकालीन समय के लिए मौसम क्या होता है? अल्पकालीन समय के लिए पृथ्वी की, अल्पकालीन समय के लिए मौसम पृथ्वी की निचली सतह पर आता है, उसको हम लोग मौसम बोलते हैं। मौसम क्या होता है? ये दिन प्रतिदिन जो चेंजेस होते हैं, दिन प्रतिदिन मौसम में जो बदलाव होता है,
बदलाव होता है उसको हम लोग मौसम बोलते हैं, और ये दोस्तों लंबे समय के लिए नहीं होता है, ये लंबे समय के लिए नहीं होता है, ये कम समय के लिए आता है। दिन प्रतिदिन जो बदलाव होते रहते हैं मौसम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। आशा करता हूँ चीज समझ में आई होगी। फिर उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं या आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब है अल्पकालीन, अल्पकालीन घटनाओं को मौसम कहते हैं। तो वही बात हो गई, देखो ये एकदम सटीक डिफिनेशन है, तो आप लोग अगर याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। वैसे मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि अल्पकालीन समय के लिए जो चेंजेस होंगे मौसम में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मौसम ही बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, एक छोटे क्षेत्र एवं बहुत कम समय के लिए, जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक माह, या वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, क्षणिक मतलब कम समय में, कम समय के लिए, अवस्था का प्रतीक है जो निरंतर परिवर्तनशील होता है। क्योंकि आज जैसे कहीं ज्यादा गर्मी हुई, या आज कहीं पे ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, आज कहीं पे ज्यादा सर्दी है, तो वो क्या हो जाती है, वो क्षणिक अवस्था बोली जाती है, अल्पकालीन बोला जाता है, कम समय के लिए आता है। तो आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक चीज और जान लीजिएगा, ये कहाँ पे आते हैं, ये ज्यादा पे जो चेंजेस आते हैं, ठीक, मौसम में जो बदलाव आते हैं, ये गाँव में आएंगे, गांव में आते हैं और शहर में आते हैं। अरे वही पृथ्वी की जो निचली सतह पे, जहाँ पे पौधे, जानवर, जीव जंतु ये सब रहते हैं, तो वहीं पे ये बदलाव होते हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम लोग बात करेंगे जलवायु। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो सबसे पहले आप लोग क्लाइमेट शब्द समझ लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। क्लाइमेट का अध्ययन हम किस में करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लाइमा का मतलब होता है समय क्षेत्र, लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन, सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को पता ही है अच्छी तरीके से। तो जो क्लाइमेटोलॉजी है, ये क्लाइमा से शब्द लिया गया है, ठीक है, क्लाइमा, और ये दोनों शब्द कैसे हैं, ग्रीक शब्द है, ये बात आप लोगों को पता ही होगी, क्योंकि जिसमें लॉजी शब्द लगा होता है वो कैसे होते हैं, ग्रीक शब्द होते हैं। तो क्लाइमा का मतलब क्या होता है, समय क्षेत्र, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, क्लाइमेट का हम लोग अध्ययन किसमें करते हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें, हम लोग इसमें देख लेते हैं, देखो यहाँ पे चीज समझिएगा कि इसकी जो जो क्लाइमेट होता है, ये लंबे समय के चेंजेस, जो बदलाव होते हैं मौसम में लंबे समय के, उसको बोलते हैं। जैसे इस समय पे देखो सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो सर्दियाँ, ठीक है, गर्मी, बारिश, ये कैसे हैं, ये लंबे समय के लिए आते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, जलवायु अर्थात क्लाइमेट बोला जाएगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, यह कृषि या किसी निश्चित क्षेत्र के दीर्घकालीन वायुमंडल या मौसम की दशाओं का योग व बृहत क्षेत्र लंबे समय के लिए होता है। बृहत का मतलब, बृहत का मतलब क्या है, बड़े क्षेत्रों में आते हैं, बड़े क्षेत्र, जैसे मान लो कि पूरा, जैसे मान लेते हैं कि जैसे सर्दी आई, तो सर्दी हमारे जैसे पूरे इधर का जितना भी इलाका होगा, ये सर्दी वाला किसी न किसी बड़े इलाके में आता है, गर्मी आती है वो बड़े इलाके में आती है, तो वो छोटे इलाके में नहीं आती है। वहीं पे मौसम क्या है, जैसे किसी भी गाँव या शहर में एकदम से क्या वहाँ पर सर्दी हो गई या बारिश हो गई, तो उसको हम लोग मौसम बोलते थे। तो आशा करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद में इसमें दो पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको भी देख लीजिए लीजिएगा, इसका मतलब क्या है, माइक्रो क्लाइमेट। एक सबसे पहले क्लाइमेट जो जलवायु है, उसके दो भाग हैं, ठीक है, क्लाइमेट के दो भाग हैं, पहला है माइक्रो क्लाइमेट, दूसरा है मैक्रो क्लाइमेट। अब दोनों को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो क्लाइमेट की, तो जहाँ पे पौधे होते हैं, पौधे उगते हैं, प्लस जंतु रहते हैं, ठीक है, अगर हम वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे हम लोग देखें, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो क्लाइमेट। और जहाँ पे खुले स्थान होते हैं, खुले स्थान पर, देखिए
तो यहाँ पे जो माइक्रो क्लाइमेट होता है, जहाँ पे पौधे व जीव जंतु रहते हैं, ये किस पे रहते हैं? पृथ्वी की सतह पे रहते हैं। तो जब हम यहाँ का मौसम के बारे में बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो क्लाइमेट। और माइक्रो क्लाइमेट हम किसको बोलेंगे? जैसे खुले स्थान पर मृदा तल से 2 मीटर से ऊपर से लिए जाते हैं, जैसे जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उसके ऊपर 2 मीटर से जो भी हम लोग क्लाइमेट को देखेंगे, ठीक है, वहाँ से जो मेजर किया जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो क्लाइमेट बोलेंगे। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। ये हमारा परिचय था, इसके आगे हम लोग उस पार्ट को, हम लोग जो 25वां पार्ट है आपका सस्य विज्ञान का, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो परिचय में इतना ही इम्पोर्टेंट है, 25वां जो पार्ट है सस्य विज्ञान में वातावरण से रिलेटेड, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।